अब भी अगर दूध की मलाई बचती है तो उसको रख दिया करो, और इससे ऐसे मलाई निकलती है, आसान तरीका है। घी बन चुका है, ज़्यादा ये जल जाएगा फिर। और यहाँ पे मैंने रखी है छन्नी, और यहाँ पे लोटा रखा है, लोटे में निकाल लेती हूँ मैं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार और जय श्री राधे कृष्णा। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, हम भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो दोस्तों, आज मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 11 बजे से, और मैं हूँ आज फ़िलहाल अपने होटल में ही। और चलिए जी, मैं भी कर लेती हूँ अपना काम स्टार्ट, और मैंने कहा आज मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर ही लेती हूँ। और तो अभी मैं खाना पीना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, दिन का खाना। सुबह का तो मैंने आलू पेस्ट हो गया, और आटा गूंद दिया, और छोले बना दिए, और सब्ज़ी बना दी। सुबह के नाश्ते में चाउमीन अभी उबाल दी है, अब मैंने मोमोज बनाने हैं, सूप बनाना है, तो इसलिए मैं अभी सूप बना रही हूँ। मैंने परसों जो वीडियो बनाई थी, और बहुत इमोशनल वाली, दुखी वाली, तो इससे मेरे फैमिली को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। बाहर वालों को तो क्या दुख होगा यार, क्या ही दुख होगा लोगों को। लोगों को तो खुशी हो रही होगी ना, रो रही है कि लो मन डार जरूरी है ब्लॉग बनाना, ये बोला पल्ला ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलने वाले हुए तो ऐसे होता है, और बना ब्लॉग आई बड़ोछा ब्लॉग ऐसे बोल रहे होंगे ना, तो ऐसे है बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे, क्या कहूँ मैं। और तो मेरे बच्चे बड़े हो गए यार, बच्चों को डिस्टर्ब होता है, खाली बच्चों से बोलते हैं उसके दोस्त यार तेरी मम्मी क्यों रो रही है करके, और स्वामी जी से भी बोलते हैं पति से तेरी औरत क्यों रो रही है करके, अच्छा नहीं लगता ना। तो इसलिए यार मैंने वो ब्लॉग निजी कर ली है, मैं नहीं दिखा सकती किसी को, तो जिसने भी देखी मैंने उसी इंसान के, मतलब उस इंसान को बोलने के लिए बनाई थी वो इंसान बहुत पता नहीं क्यों दुश्मनी है मेरे से, उसको मेरी फैमिली से क्यों चिढ़ता है न मालूम, जलन है उसको बहुत ज़्यादा। वो सोच रहा है कि ये कितने जो आगे बढ़ गए, कितने जो पैसे कमा लिए, ऐसा सोच रहा है वो सोच रहा कहीं ये और आगे न बढ़ जाए, ऐसा सोच रहा है ना। तो सोचने दो यार, हटाओ, कौन लगे रहता है ऐसे चक्कर में, अपने आप करता है, करने दे उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए जी, काम कर लेती हूँ मैं भी। और बहुत ठंडा हो रहा है यार, आज बारिश हो रही है बाहर, देखो अभी दिखाती हूँ आपको मैं, और आज आपको एक सरप्राइज़ भी देती हूँ मैं, ठीक है। जो मेरा दुश्मन है ना, इसको देख के और जो चल रहा होगा। हमारे ढाबे के आगे खड़ी है न्यू थार कार, तो ये देखो कैसी लग रही है हमारी न्यू थार कार, तो ये है यार। ये न्यू थार कार आते रहते हैं कभी, न्यू थार कार, और कभी बड़े बड़े कार का नाम भी नहीं आता है, मुझे भूल जाती हूँ मैं। जैसे कि परसों हमारे मामा जी आए थे चंडीगढ़ से, वो लाए थे कौन सी थी यार, वो भूल गई, नाम ही नहीं आ रहा है मुझे, नाम ही नहीं आता है। मेरे पति देव को तो सारा नाम आता है, हमको इतना नाम आ रहा है पर याद नहीं है मुझे अभी ना। अब आगे पार्किंग बनाई है, तो पार्किंग में खड़े करने के लिए आते ही हैं लोग, न्यू कार। और यहाँ पे हमने CCTV कैमरा भी लगा रखे है ना, और तो इसलिए न्यू कार लेके आते हैं, और यहाँ पे खड़ी करते हैं, उनको अपनी सेफ्टी के लिए चाहिए होता है ना, तो इसलिए। और बाकी हमारा नहीं है यार, हमारे कहाँ से आएगी कार यार, हम कहाँ से लेते हैं इतने महंगे कार ना। कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत पहले एक न्यू कार आई थी, मैंने थंबनेल में वो इतना अच्छी खुशखबरी आई है, नई कार लाई है हमारे दादा करके बोल दिया था, तो और बाहर से थंबनेल देख के लोग हमसे बोलने लगे बधाई हो करके, पर ऐसा नहीं होता यार, अच्छे से वीडियो देखो अंदर, तब जाके बातें करो, ठीक है। बहुत सारे हमारे ऐसे आस पड़ोस के, गाँव पड़ोस के जो मेरा ब्लॉग देखते हैं, वो भी बाहर से थंबनेल देख कर ही उल्टा सुल्टा बोलने लग जाते हैं, अंदर से वीडियो नहीं देखते वो, क्योंकि हम तो अपना थंबनेल और वो इसलिए बनाते हैं, कॉन्टैक्ट इसलिए लिखते हैं कि यार हमारी वीडियो देखे करके ना, तो पर बाहर से देखते हैं लोग और भाग जाते हैं, तो उन लोगों को बोलने का मौका मिल जाता है यार, और ऐसा है वैसा है करके, और ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अंदर से अच्छी सी वीडियो देखो, और कभी कभी हम अपने ना ब्लॉग देखेंगे करके थंबनेल में लिख देते हैं ऐसा, पर होता नहीं है वैसा, ठीक है। और कभी कभी बहुत सच वीडियो भी होते हैं, जैसे मैंने परसों बनाई थी, मैं बहुत दुखी थी उस दिन, और इसलिए मैंने वीडियो बनाई थी, और बाद में फिर मेरे बहन का भी फ़ोन आ गया था, और जो मुझे मतलब देखा होगा जिसने मेरी वीडियो, उन्होंने पूछा मुझे, और फिर मेरे बच्चे भी बोले थे यार मम्मी ऐसा वीडियो मत डाल, हमको अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने नीचे कर दी वो।
ऐसे होता है ना, तो बहुत सारे लोग खुशी हो रहे होंगे, अच्छा लग रहा है उनको होगा ना, यार वो रो रही है, किसने कहा इसको ब्लॉग बना ये बना, ऐसे होता है ना, होता है, कोई बात नहीं, चलो हटाओ। और बहुत सारे लोग दुखी भी होंगे, यार ऐसा नहीं करना चाहिए, वो इंसान ने करके बोलते भी हैं, ऐसे होता है ना कि ऐसे हालत है, ऐसे में कस्टमर भी बहुत कम ही आते हैं, तो आज मैं थोड़ा कम ही बनाती हूँ खाना। और तो यार मैंने दाल सब्ज़ी बना दी है, मैं दाल सब्ज़ी बना दी है, चावल चढ़ा देती हूँ, और 11 बज गए हैं, तो मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, और अब मैंने इसमें डब्बे में मलाई रखी थी, ये दूध की मलाई, इसको एक हफ्ता हो गया यार, इसको मैं सोच रही हूँ कि आज इसको बना लेती हूँ, घी मक्खन निकाल लेती हूँ इसका, खाली ज़्यादा भी ख़राब हो जाता है ना इसलिए। हाँ देखो वही भागीरथी रावत करके हमको बोला जा रहा है, तो क्या करें यार, वही एक ट्रेंडिंग में चली है, तो उसको हम जितने भी है तो उसकी भी फ़ोटो वोटो लगाती हूँ, थंबनेल बना वो लगाती हूँ, तो ज़्यादा व्यूज आते हैं इसके व्यूज के, समझो वही समझो, अब आप जो समझना चाहते हो समझो। और पर एक बात सच है, क्योंकि वो आजकल वायरल हो रही है, तो सारे लोग उसी को ट्रोल कर रहे हैं, कोई अच्छा वीडियो बना रहे हैं, कोई ऐसी बोल रहे हैं, पर जो भी है, और वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई है, अब उसे परेशान मत करो, रहने दो, और अपने आप रहती है। और एक बात आपसे ज़रूर बता दूं, अगर भागीरथी रावत के पास पैसा और पावर होता ना, किसी को हिम्मत नहीं होती इसके खिलाफ़ वीडियो बनाने की, ठीक है। और वो बेचारी, चलो उसने गलती की, पर उसके ऊपर इतने सारे लोगों ने वीडियो बनाई, ये बहुत गलत है, चलो कोई बात नहीं, और सब ने बनाई, वैसे सपोर्ट ही कर रहे हैं भागीरथी रावत को, चाहे वो गलत तरीके से बना रहे हैं या अच्छा तरीके से बनाए, सपोर्ट ही कर रहे हैं उसको, आगे ले जा रहे हैं, बड़ा स्टार बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। और मैं भी उनके सपोर्टर में ही हूँ। पहले मुझको, मेरे को बहुत बुरा लगा यार, ये अपने बच्चों को छोड़ के क्यों आई, क्योंकि बहुत ही गलत काम किया इसने। और पर सोचो, अगर उसके बच्चों ने भी सोचना चाहिए था यार, बच्चों ने साथ देना चाहिए था, उसके बच्चे बहुत बड़े थे ना, उसने भी साथ देना था उसका, ठीक है। उसकी माँ से लोग सोशल मीडिया पर बात करती थी, गलत थी तो माफ़ कर देती, और वो नहीं करती आगे से ना, तो उसको भी सोचना था, कहीं दोनों हाथ से बनती है रोटी ना, एक हाथ से नहीं बनती रोटी, कहीं ना कहीं पे उनकी भी गलती होगी, तभी ऐसा होता है ना। तो यार दोस्तों बाहर बारिश ऐसी हो रही है, और ये बंदरों ने इतना बुरा हाल कर दिया, क्या बता दूँ, इनको ठंडा भी नहीं हो रहा है। तो यार मैं हूँ अभी किचन में, मेरे बैकग्राउंड में जो भी दिखेगा नज़रअंदाज कर देना, क्योंकि बड़ा गंदा सा हो रहा है ना, ऐसे होता है यार होटल में, घर का किचन नहीं है ना, किसी को मलाई खानी है, ये रहे। तो मैं बना रही हूँ आज गाय का घी मक्खन, ठीक है, थोड़ा गर्म पानी डालूंगी इसमें, ज़्यादा गर्म भी डालना पड़ता है यार इसमें, थोड़ा मीडियम फटाफट बना लेते हैं इसको। राधे कौन ऐसे तुमने किए तो मैंने जो भरी मात्र 2 मिनट में घी बन के रेडी हो जाता है मक्खन, इसमें बड़ा वो नहीं लिया था, इसमें मक्खन निकल के दे दिए गए, न्यूनी होनी ना, अगर न्यून ये अब भी अगर दूध की मलाई बचती है तो उसको रख दिया करो, और इससे ऐसे मलाई निकलती है, आसान तरीका है ये देखो, और 2 मिनट में हो जाता है मिक्सी के जार में ये, तो देखो ये देखो बड़ा अच्छा लग रहा है ना, ये देखो मैं दुकान से घी नहीं खरीदती हूँ, मतलब घर से ऐसी बन जाता है हमारा घी, पूरे भर भर के ऐसे मक्खन, ये थोड़ी सा मलाई थी, ठीक है। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ, फिर और है यहाँ पे मलाई, तो गाइस ये भी हो गया रेडी, ये देखो निकल गया ऊपर से आ गया, ठीक है। तो यार अभी कस्टमर नहीं आए हैं, तो मैंने कहा इसको मैं छान लेती हूँ मक्खन।
ढक्कन निकाल लेती हूँ फटाफट। ठीक है, कौन कौन निकालता है मलाई का घी मक्खन जरूर बताना। ठीक है, मेरी दुकान में ज़्यादा दूध लगाया है ना मैंने 3 लीटर, तो 3 लीटर एक हफ्ते में मैं निकाल लेती हूँ। 2 गिलास घी तब भी हो जाता है, बहुत है ना 2 गिलास। हमने मट्ठा खाते हैं तो कितनी अच्छी खुशबू आती है ना, बहुत अच्छा लगता है ना। तो यार यहाँ पर मैंने निकाल दी है छोटी सी कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई, और मैं मक्खन निकाल दी यार। डब्बे में पूरा मैंने मट्ठा फान के डाल दिया था, मलाई फान के, और कितना हो गया कैसा लग रहा है दिखाती हूँ आपको। ठीक है, बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखो ऊपर से पूरा मक्खन निकल गया। ये इसको मैं कढ़ाई में निकाल लेती हूँ और फिर बनाऊँगी इसका घी। अरे ना, ये बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, और जब धूप होती है तो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि ठंडियों में ना मेरे हाथ पूरे लाल हो जाते हैं और सूज जाते हैं, पैर तो इतने मोटे हो जाते हैं मेरे लाल ठंडियों। मेरे को सर्दी ना बिल्कुल एलर्जी हो जाती है सर्दी से, तो मैंने आज अपने पतिदेव के जूते पहने हैं इतने मोटे मोटे वाले, मेरे जूते ना भीग जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है आज। तो यार मैं तब तक इसको निकाल देती हूँ। ये तो यार खाली मलाई इधर उधर पड़ी रहती है, बच्चे भी नहीं खाते मेरा मलाई, पहले पहले खाते थे अब नहीं खाते, और बिछिन हो गई मलाई से, तो मैं रख देती हूँ स्टोर करके, और घी बन जाता है अच्छा खासा, और जो सांस निकलती है तो मेरा ब्रूनो खा लेता है उसको। ब्रूनो के लिए ना सांस बहुत अच्छी है, और कभी मैं कड़ी बना लेती हूँ ढोली दुकान के लिए कभी जी, और कभी कभी तो ये दही जमाती हूँ मैं, दही की मलाई खा लेते हैं, दही की मलाई अच्छी लगती है इनको, और दूध की मलाई कम ही खाते हैं ये। मैंने सारा मक्खन कढ़ाई में निकाल दिया है, अब इसमें से जो ये छांस है ना इसको भी मैं निकाल दूंगी, क्योंकि ये फिर बहुत टाइम लगता है ना गैस में इसको करने से। देखो ये मक्खन अलग हो जा रहा है और छांस अलग हो जा रही है। देखो अब इसको मैं डब्बे में निकाल दूंगी, ये इतना सारा छांस निकला इसमें से अभी और निकल रहा है इसमें से। जितना दबा रही हूँ ना मैं इसको, इतनी ज़्यादा छांस निकल रही है इसमें। और जब हम नींबू बनाते हैं ना दही की मलाई भी डालते हैं, ये अच्छा हो गया, जितना भी निकलेगा घी निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो चलिए जी चलते हैं बाहर वाले किचन में। ये वाले किचन में ना मैं कम ही बनाती हूँ खाना आजकल, बाहर ही बनाती हूँ ज़्यादा, बाहर भी ऐसा हो रहा है ना खिचड़ी किचन है ना, जब मक्खन निकालती हूँ तो हाथों में ऐसा नहीं हो जाता है, चिपक जाता है पूरा। अब गर्म पानी से धोना पड़ेगा ये, तो अपने से साफ करती हूँ पहले। इतनी सारी बारिश आ गई अभी बाहर, और ये देख पूरा खिचड़ी किचड़ हो गया। मुझे वहाँ जाना है बाहर वाले किचन में, तो जी चलते हैं। यहाँ वाले किचन में ना मैंने बर्तन रखे हैं सारे, और यहाँ पे मेरा बर्तन साफ करने वाला है पशु, और ये वाला इसमें मैं सब्जी रखती हूँ, और इसमें बर्तन रखती हूँ, और यहाँ पे मैंने पानी भी रखा है ये देखो, और यहाँ पे मेरे बर्तन रखे हैं पानी के ऊपर, और बाहर मैंने गैस रखा है, वहीं पर मैं बनाती हूँ खाना, और जब बारिश होता है ना ज़्यादा तो तब मैं यहाँ पर बना लेती हूँ, और वहाँ पे अभी वहीं पे बनाऊंगी, क्योंकि उतनी बारिश नहीं हो रही है, ज़्यादा कीचड़ भी नहीं हो रहा है। इसमें मैंने चिकन सूप बना के रख दिया था सुबह, और अभी थोड़ी देर पहले ही बनाया, और यहाँ पे मैं इसको पिघला लेती हूँ, अब देखती हूँ कितना घी निकलता है करके। ठीक है, यहाँ पे मैंने भात बना दिया, इसको मैंने अंदर वाले किचन में शिफ्ट कर देती हूँ, क्योंकि कोई कस्टमर आएंगे तो ना अच्छा होता है वहीं से देने के लिए। और यहाँ पर मैंने गैस नहीं रखा है, इंडक्शन रखा है, और ये इंडक्शन भी मेरा आज बड़ा गंदा सा हो रहा है, ये देखो साफ़ नहीं किया ना मैंने,
थोड़ा साफ़ हो गया है ऐसी, तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने बनाई थी सब्ज़ी, और इसमें बताऊँ मैं आज मैंने घर की मसूर की दाल बनाई है। आज मैंने आलू पेस्ट बना रखा था पराठे के लिए, और आधा मैंने पराठे बना लिए, आधे ये है। और थोड़े आए थे आज कस्टमर, दो चार लोग, तो यहाँ पे मेरा जब तक घी बनता है इसको बनने देती हूँ, ठीक है। अभी टाइम लगेगा इसमें। तो यार यहाँ पे घी बनने लग गया है, गाढ़ा गाढ़ा होने लग गया है। गाय का दूध का घी भी है ना, ये तभी तो पीला पीला हो रहा है। घी बन चुका है, ज़्यादा ये जल जाएगा फिर। और यहाँ पे मैंने रखी है छन्नी, और यहाँ पे लोटा रखा है, लोटे में निकाल लेती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने घी भी छान लिया है, जितनी गंदगी है ऊपर से आ गई है, बाकी नीचे घी निकल गया है। और ये वैसे 2 गिलास का लोटा है, पर 1.5 गिलास करीबन घी निकला होगा इसमें, क्योंकि आधा आधा हुआ है ना कम कम। अब मैंने मोमोज बनाने हैं, और अभी बच्चों ने खाना नहीं खाया है, तब तक मैं मोमोज बना लेती हूँ। 1 नहीं बजा अभी, 1 बजे तक खाएंगे बच्चे खाना। तो यार आज मेरे को बहुत ठंडा लग रहा है, और आज का व्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। तो चलो अभी के लिए बाय बाय।